या संज्ञान नहीं लेंगे। और हो सकता है कि समय के साथ साथ ये मामला खत्म भी हो जाए, लेकिन कोर्ट के फैसला आने के बाद ये एक जिन्न की तरह बाहर आ गया है और पूरे उत्तर भारत में आरक्षण को लेकर और संविधान को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। दिलचस्प इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, होने तो हो ऐलान तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी वो बाद में होंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, बड़ी मौसम की मार है, इधर है उधर है। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कहाँ से हैं? जी मैं बंगाल से हूँ। हाँ बंगाल से हूँ। अरे बंगाल में इतनी यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, क्या क्या यूनिवर्सिटी है, इतनी बढ़िया बढ़िया, वो क्या नाम है, अरे विश्व भारती, तो ये सब इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ गई, यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आए। हाँ जी हाँ जी, मैं ग्रेजुएशन के समय ही आ गया था, ग्रेजुएशन के समय मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में आ गया था। तो यूपी भाग गया? हाँ यूपी सर, पहले कुछ महीने में थोड़ा दिक्कत हुई लेकिन यूपी मुझे अच्छा लगने लगा। ये बंगाल में अभी जो हो रहा है इस पर आपकी क्या राय? जी पहली बात तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, हर लेवल पे ही एक तरीके से रेपिस्ट को बचाने की कोशिश की गई, कि पहले प्रिंसिपल ने कहा कि जो स्टूडेंट छात्रा थी उनकी मानसिक कंडीशंस ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर बाद में बोला गया कि वो रात में अकेले सेमिनार हॉल में क्यों गई, 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो अकेले सेमिनार हॉल में क्यों गई। पहली बात तो 36 घंटे सब तो आ गया है सामने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आज का जो माहौल है, ये ममता सरकार का फेल्योर या ममता सरकार की लापरवाही या ममता सरकार उस मुद्दे को छोड़कर इस पे सियासत ज़्यादा कर रही है, या बीजेपी कौन गुनहगार दिखाई दे रहा है? जी पहली बात तो ममता सरकार अपने फेलियर को छुपाने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से, क्योंकि जब छात्रों ने आंदोलन कर रहे थे तब जो गुंडे आए थे वो टीएमसी के ही गुंडे थे, वो आसानी से दिखाई दे गया। कोलकाता पुलिस ने जो बैठ के आप देख लिए वहाँ टीएमसी गुंडे थे। अरे यार अभी तो अरेस्ट हो रहे हैं अभी, ये देखो मैं ये कहता हूँ जजमेंट और जस्टिस दो चीज है, आप जजमेंट तो दे दिए ये हो सकते हैं, अरे न्याय होना चाहिए, जो हो सकते हैं उन्हीं को। नहीं एक्चुअली वो बात नहीं है, कोलकाता पुलिस ने जो फोटोज अपलोड किए थे उसी में से ही पता चल रहा है कि कौन कौन आए थे उस दिन। तो अब क्या मानते हैं आप, ममता सरकार को बर्खास्त तो इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी, सही कर रही है? जी लेकिन बीजेपी क्या खुद भी सही है? मतलब मैं 2018 में जब कठुआ रेप केस हुआ, बीजेपी ने ही रेपिस्ट के सपोर्ट में पैरेट किया था, रेपिस्ट के सपोर्ट में एक मार्च निकाला था, तो बीजेपी भी तो एक तरीके से रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो और इनफैक्ट हम उत्तर प्रदेश में भी देखे हाथरस की केस, मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में तो बीजेपी की ही सर्किट थी। हाँ तो ये देखिए इस बिहार की घटना अभी आई, बिहार में भी मुजफ्फरबाद ही, अभी उत्तर प्रदेश की भी आई। हाँ तो इनफैक्ट एक नर्स थी जिनको उत्तराखंड से उठा के लेकर गए। लेकिन पहली बात तो ये इस्तीफा की, छोड़ो बंगाल या आरक्षण पे जो बहस चल रही है इसमें कोई दम है? जी जरूर दम है, लेकिन पहली बात तो प्रश्न तो ये होता है कि आरक्षण तो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, जो कि आज सिकुड़ रहा है या बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर जितने भी है सब बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण की कोई बात है ही नहीं। तो आप तो पहली बात तो गवर्नमेंट सेक्टर जब आप बेच रहे हैं तभी तो आप आरक्षण को ऑटोमेटिकली आप सिकुड़ रहे हैं। आप क्या मानती हो आरक्षण के मसले पर, आपका क्या लगता है ये जो बहस चल रही है ये बेजा है या इसमें कोई दम है? सर दम है तभी तो बहस चल रही है, इतना ही है। आपको लगता है कि आरक्षण से कोई खिलवाड़ कर सकता है? सर होता है, आरक्षण से खिलवाड़ होता है। कैसे? जब किसी भी आप इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हैं और जहां आप मांग करते हैं कि इतना आरक्षण लगाना, इतना आरक्षण हमें मिलता है तो उतना हमें दे दीजिए, तो पहले तो कई तरह के पेपर्स की रिक्वायरमेंट और इन सब की डिमांड की जाती है, उसके बाद फिर जाके अगर थोड़ा बहुत वो कहते हैं कि इतना ही मिल पाएगा या आप उसमें आते ही नहीं है, आप फॉल डाउन ही नहीं करते हैं उस कैटेगरी के अंदर इस टाइम पे, तो इस चीज को हटा दीजिए, आप इस सीट के ऊपर आप ऐसे ले सकते हैं। अच्छा समय कम है जरा, मैं दो चार जो लोग भी बोलना चाहते हैं आप बताइए। जी सर, फर्स्ट में SC ST जो आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आप हम लोगों को ये समझने जरूर है कि हमको आरक्षण मिला क्यों, उसका पर्पज क्या। आरक्षण का पर्पज यह रिप्रेजेंटेशन कभी भी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं रहा है। वो हमेशा देखिए एक रटी रटाई बात कही जाती है, वो सब बोलते हैं कि SC ST नहीं, ये सच में रिप्रेजेंटेशन में कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ SC ST को रिजर्वेशन
आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं मिला, उनकी जो छुआछूत अनटचेबिलिटी और सामाजिक जो स्थिति थी उससे उनको सामाजिक न्याय दे करके समाज के सब के बराबर ले आने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, क्या आप किस लेवल पे, हम देखो सुप्रीम कोर्ट पे हमारी हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप कहाँ पे क्रिमिनल ला रहे हैं, आपने किस बेस पे ईडब्ल्यूएस दिया इस पे बात कीजिए, आपका कहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं था, आपका मतलब कुछ होना चाहिए ना पर्पज, ऐसे ही मतलब आपकी पावर है तो आप कुछ भी कर देंगे, सरकार है। आप क्या कहना चाहते हैं? मायावती ने एक दिलचस्प बात उठाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अब रिजर्वेशन होना चाहिए और एससी और एसटी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, न्यायपालिका में यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों में, उनका ये कहना था कि हमारे वर्ग के लोग नहीं है इसलिए। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जो आरक्षण का जो ये मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, तो मेरा ये तो सरकार ने कह दिया लागू नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कह दिया लागू नहीं करे, दूसरी हरियाणा में इम्प्लीमेंट हो गया अभी, आज कल ही का वो आ गया, लेकिन मतलब वो करने की कि हम जैसे जीत के आएंगे तैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी चीज, सबसे पहले मेरी बड़ी बड़ी मांग है कि जातिगत जनगणना हो और ये देखा जाए कि किसका किसका कितना प्रतिनिधित्व है। उसके बाद में हमको तो 70 साल हो गए, चलो हमको मिला है आरक्षण, लेकिन 70 साल में हमारा तो अभी 2.5% मतलब केवल रिप्रेजेंटेशन है। यस सर, अभी बारिश हो रही थी, आप लेट आए, यहाँ जो लोग बैठे थे मैंने बहुत सारी बातें कर ली, पेपर चल देने चले गए थे, आगरा से आ रहे हम अभी जस्ट। किस चीज़ का सर? PhD एंट्रेंस एग्जाम था लॉ का। तो जी जी सर, रिजर्वेशन जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है मुद्दा, और सर ये आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे देशों में, अमेरिका में भी उसको जो अफर्मेटिव एक्शन के नाम से दिया जाता है, पहले से दिया जाता रहा है, और यहाँ पर भी चल रहा है सर। और टाइम दिखाइए सर, जैसा कि सर अभी सारे लोग, मैं तो सर थोड़ा लेट हो गया था, तो अनमय भाई को मैंने सुना और बाकी लोगों को मैंने सुना कि रिजर्वेशन पे बात की, बीजेपी बात की। सर, गवर्नमेंट किसी की भी जब होती है, चाहे महिला रिजर्वेशन की बात हो, चाहे SC ST की बात हो, क्लासिफिकेशन की बात होती है, AWS की बात होती है, तो कई भाग में बढ़ जाते हैं लोग, और जब वही लोग गवर्नमेंट में रहते हैं खुद, जैसे सपा की गवर्नमेंट खुद रहती है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो उसका विरोध करते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ये आज सर कांग्रेस ये चीज़ कह रही है, तो बीजेपी ने जितने मुद्दे थे, जितने बीजेपी कोई अलग से मुद्दे नहीं ला रही।